अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा YouTube चैनल FMC। तो नाज़रीन, आज है जुमातुल मुबारक और आज है उर्स सखी सरवर का जो पहला जुमा माना जाता था, क्योंकि इसी जुमे से सरकारी डेट है कि पहली जुमेरात यही इसी जुमे से लगती है और जुमा लगता है। तो नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं दरबार हज़रत सखी सरवर के साथ और आज हम हाजिर हुए हैं आप तक वीडियो अपडेट पहुंचाने के लिए। तो नाज़रीन, तीन बड़े जुमेरातें जो है वो लगती हैं, तीन बड़े जुमे लगते हैं, ऐसा कहें कि तीन हफ्ते जो हैं वो मुसलसल एक ही रश रहता है, रश कम होने का नाम ही जो ना होता। तो सबका द्वार में ये जो तीन हफ्ते हैं, जो आज का जुमा है और आइंदा आने वाले दो जुमे हैं, ये इन तीन हफ्तों में जो है वो उर्स की सरवर अरूज पर होता था। सखी सरवर शहर में ताल धरने की जगह नहीं होती थी और काफ़ी जो है ना ज़ायरीन सखी सरवर में मौजूद होते थे। तो नाज़रीन, इस बार दरबार बंद है लेकिन एंट्री खुली हुई है, ज़ायरीन अकीदतमंद सखी सरवर में आ सकते हैं। पिछली बार तो मुकम्मल ही सील कर दिया गया था, तो इस बार जो कुछ थोड़ा सा जो है वो फ़ायदा हुआ है कि ज़ायरीन जो है वो अपने मुर्शिदी दरगाह को देख सकते हैं। तो नाज़रीन, रात जो है सखी सरवर में दरबार बंद होने की वजह से अकीदतमंदों ने हज़रत सखी सरवर की दरबार की बैक साइड पर सीढ़ियों पर जो है वो हज़ारों की तादाद में चिराग जलाए, ऐसा कहेंगे इज्तमाई चिराग किया गया है दरबार सखी सरवर की बैक साइड पर, और हज़ारों ज़ायरीन हमें देखने को मिले हैं उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि जो ज़ायरीन मगरिब की नमाज के बाद दरबार में इंटर होते थे, क्योंकि जुमेरात की बड़ी फजीलत होती है, तो दरबार बंद होने की वजह से उन्होंने जो है वो चिराग जलाने का जो है काम शुरू किया और उस साइड का रुख किया। रात बड़ी तादाद में जो है वो ज़ायरीन चिराग जला रहे थे। आज है जुमातुल मुबारक, आज भी काफ़ी तादाद सखी सरवर में ज़ायरीन और अकीदतमंदों की मौजूद है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि नदी में लोग जो हैं वो जा रहे हैं आगे, दरबार सखी सरवर बंद है, इससे मुलहिका तमाम जो मकामात हैं, चार यार हैं और पंजा मुबारक है और जो सखी सरवर के पाँव का निशान है जहाँ से चश्मा जो है वो जारी हुआ था, वो मकाम है। आगे बेरियाँ आए, टालियाँ आए और इसी तरह ऊपर पहाड़ पे याली मतलब नाम लिखा है, वहाँ पे भी लोग जाते ज़्यारत करते हैं, चार यार की ज़्यारत मौजूद है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो लोग हैं उन्होंने पहाड़ों का रुख किया हुआ है और उन मकामात पर जाकर वो ज़्यारत कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं कि दरबार बांधे तो ये मकामात खुले और दरबार के बाहर भी लोग जो है वो काफ़ी तादाद में जमा और हाजिर दे रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको दिखा देता हूँ, बैक साइड पर आप देख रहे हैं नदी है, वहाँ पर लोग जो है वो सीधा जा रहे हैं आगे मकामात पर, वहाँ पर जाके वो चश्मे पर नहाएंगे और ज़्यारत करेंगे। ये भी एक सिलसिला चला आ रहा है कि लोग कोशिश करते हैं कि वो नहाएँ, जो जुमे के दिन जो है वो चश्मे पर जाकर नहाएँ और वहीं पे जो है वो कपड़े तब्दील करते हैं और नहाते हैं, क्योंकि सखी सरवर में हमाम तो दीगर चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि सखी सरवर के जो चश्मा है उस पर जाकर हमें नहाना चाहिए। वो अकीदतमंदों का अपना ही जो है वो दिल को सुकून पहुँचता है। तो नाज़रीन, बैक साइड पर चार यार हैं और इस वक्त चार यार पर भी काफ़ी तादाद ज़ायरीन की मौजूद है, लोग जो हैं वो जा रहे हैं मुसलसल, जितनी बड़ी ऊँचाई है चढ़ाई है लोग थकते नहीं हैं, बस अकीदतमंद ने जो है वो थकावट नहीं होने दी खुद को और वो मुसलसल जो है वो ज़्यारत के लिए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी लंबी चढ़ाई है क्योंकि पहाड़ की चोटी पर चार यार मौजूद हैं, तो अकीदतमंद जो है वो ये नहीं देखते कि कितना सफ़र है, बस जा रहे हैं कि मुर्शिद की अगर ज़्यारत नहीं हो सकती तो मुर्शिद के यारों की ज़्यारत हो जाए, वहाँ पर जाके वो ज़्यारत करते हैं और सैर व तफरी भी करते हैं। पहाड़ है, दूसरी जानेब या अली मदर का नाम लिखा हुआ है पहाड़ पर, वहाँ पे भी काफ़ी चढ़ाई है, लेकिन मौला के नाम की ज़्यारत करने के लिए लोग जो है वो पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और खूबसूरत पॉइंट भी है, पहाड़ है। तो इस वक्त सखी सरवर में काफ़ी तादाद ज़ायरीन की मौजूद है। आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बेफिक्र होकर आएँ, रब्ता कर लीजिए, डेली बेसिस पर न्यू अपडेट हैं, न्यू जो है वो मसाइल होते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज के जो न्यू अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचा सकें। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है वो दरबार मुकम्मल तौर पर सील है, ज़ायरीन जो बाहर ही खड़े होकर दुआएं मांग रहे हैं, ज़्यारत कर रहे हैं और बैक साइड पर आप देख रहे हैं नदी भी भरी हुई है, पहाड़ों पर भी रश है,
काफ़ी तादाद में जरिए जो पहुँचे हुए हैं। मेरी बैक साइड में आप दरबार हजरत सरवर मुर्शिद की दरबार है, दरबार ही बंद है। तो नाज़रीन ज़ायरीन की जानिब से ये भी मसलसल जो है सिलसिला जारी है कि इमरान खान और उस्मान गुजार से मसलसल अपील की जा रही है कि दरबार हजरत सरवर को खोल दें ताकि वो अपने मुर्शिद की मज़ार एक्सप्रेस पर जाकर हाजिर हों। हम भी यही अपील करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार से कि मेहरबानी करें, इन पर जो है वो शफकत करें और इन लोगों को मायूस ना होने दें, क्योंकि जो लोग अभी आते हैं, क्योंकि 3 दिन का स्टे होता है हर संगत का, तो लोग 3 दिन रह के जब वापसी जाते हैं बड़े मायूस होते हैं कि जी मुर्शिद की मज़ार एक्सप्रेस पर जो है वो हाजिरी नहीं हो सकी। तो आप भी नहायत ही अदब एहतराम के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से अपील करें, हम भी अपील करते हैं कि दरबार हजरत सरवर को खोल दें ताकि इन ज़ायरीन के जो है वो चेहरे खिल उठे। तो नाज़रीन इंशाल्लाह इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।